हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सैयद सुहेल। हमारा ये शो एक इंस्पायरिंग शो है जिसमें हम पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं। हम इस शो में आपको हिंदुस्तान की ताकत से रूबरू कराते हैं, उन लोगों से मिलाते हैं जो हिंदुस्तान के लिए नए नए आविष्कार करते हैं और जो हमको भी परेशानियों से लड़ना सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए यूपी के एक मजदूर का बेटा जिसके आविष्कार ने उसे दिलवा दिया नासा का न्योता। साथ ही देखिए लातूर में सूखे को मात देने के लिए मुंबई के छात्रों ने विज्ञान की तकनीक से किस तरह बना लिया पानी। और शो के आखिर में आपके सामने होगी यूपी के नन्हे वैज्ञानिकों की एक सवारी जो कराएगी मुफ्त में सफर। आज सबसे पहले हम जिस इनोवेटर की बात करेंगे उसका कमाल देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि इसने सिर्फ 5000 रुपए में एक ऐसा ड्रोन बना दिया जिसकी ज़रूरत खुद नासा को भी थी। जाहिर है जब नासा को इस नन्हे वैज्ञानिक के बारे में पता चला तो उन्होंने इससे कॉन्टैक्ट किया, इंटरनेट पर ही इससे कुछ सवाल जवाब किए और इसके जवाबों से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि इसको अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस पर बुला लिया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यूपी के इस नन्हे कलाम से। लेट्स गो टू अमरोहा। ये ड्रोन नासा ने तैयार किया है। इस उम्मीद में कि अब ऐसे ड्रोन को दूसरे ग्रहों पर भेजा जाए ताकि गुमनाम दुनिया की तस्वीरें सामने आ सके। सिर्फ यही नहीं, नासा ड्रोन की कुछ और बेहतर तकनीक तलाश रही है ताकि इसे और भी आधुनिक बनाया जा सके, जिसके लिए नासा ने दुनिया भर के कई इनोवेटर से संपर्क किया। नासा की इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों के बीच वो न्योता एक हिंदुस्तानी छात्र को भी मिला। यूपी के अमरोहा में रहने वाला विशाल, जो अभी 11वीं में पढ़ता है, और उसके पिता एक मामूली मजदूर हैं, लेकिन अब वो नौजवान नासा जाकर अपनी बेमिसाल तकनीक दुनिया को बताएगा। देखेंगे उस नन्हे वैज्ञानिक ने क्या बनाया है, एक ड्रोन। जो शायद आपको किसी आम ड्रोन की तरह लगे, लेकिन नासा की नजर में उसका यह आविष्कार दुनिया के लिए काम की चीज साबित हो सकता है। वैसे विशाल के इस आविष्कार की शुरुआत थ्री इडियट्स के उस फिल्मी सीन को देखकर हुई थी। विशाल ने ऐसा ही ड्रोन बनाने की ठानी और चंद महीनों में ही कामयाबी हासिल कर ली। सर, ये डिफेंस के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा सर। और सर, मैं इसके लिए जो इंस्पायर हुआ था वो मैं थ्री इडियट मूवी से हुआ था। उसमें एक जोई नाम का को आर्टिस्ट जो कि इसे बनाता है, मैं वहां से बहुत इंस्पायर होता है इसे बनाने के लिए। विशाल ने ड्रोन सिर्फ 5000 रुपए में तैयार किया है जो 45 फीट तक उड़ान भर सकता है। फिलहाल इस ड्रोन की बैटरी को चार्ज करना पड़ता है और बिजली की किल्लत में ये काम भी आसान नहीं है, इसलिए विशाल चाहता है कि इस ड्रोन को सौर ऊर्जा से बनाया जाए। इसमें एक पेपर बैटरी भी लगाई जाए ताकि ये ड्रोन 24 घंटे तक हवा में उड़ान भर सके। विशाल का यही आइडिया नासा को पसंद आया, इंटरनेट के जरिए उसका इंटरव्यू लिया गया और विशाल का आविष्कार कामयाब हो गया। सर, ये एक ड्रोन है जो कि 45 फीट तक जाता है, और सर इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो लिपो बैटरी है। और सर, मैं इसमें कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं इसमें सर एक पेपर बैटरी लगाना चाहता हूँ जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जब इंडिया में आ जाएंगे तो मैं इसमें पेपर बैटरी लगा दूँ जिससे कि इसकी जो बैटरी लाइफ टाइम है वो 24 आवर्स हो जाएगी। पैसे की तंगी में विशाल का सात समंदर पार जाना मुश्किल है, लेकिन अब प्रशासन उसकी मदद कर रहा है। उसे पासपोर्ट जल्दी चाहिए था, पासपोर्ट एक तत्काल में बनाने की व्यवस्था है, इसके लिए मैंने वेरिफिकेशन
उसका कर दिया है और वो भेज दिया गया। विशाल के परिवार की तरह अब पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि इस ड्रोन का अमरोहा से अमेरिका का सफर कामयाब रहे। वाकई कमाल के हैं ये बच्चे। वैसे ऐसे ही बच्चों की तरह कुछ और भी बच्चे हैं जो आपकी और हमारी तरह घर में ड्राइंग रूम में बैठकर लातूर की खबरों को सिर्फ टीवी पर देखते नहीं रहे, बल्कि सूखे की इस हालत से निपटने के लिए वो आगे आए और एक ऐसा साइंटिफिक इनोवेशन किया जो वाकई कमाल है। सूखे से निपटने के लिए एक ऐसी जुगत लगाई है जो दुनिया में शायद इससे पहले कहीं नहीं लगाई गई। देखिए ये शानदार आविष्कार। अगर पानी ना हो तो जिंदगी किसी सजा से कम नहीं होती और लातूर के लोगों को ये सजा अक्सर नसीब होती है। कुदरत की आपदा के बीच पूरा देश हिम्मत बनकर लातूर के साथ खड़ा था, लेकिन कुछ होनहार ऐसे भी थे जो इस आपदा का जवाब विज्ञान से खोज कर लाए। एक ऐसी तकनीक जिससे पानी के लिए आसमान की मेहरबानी का इंतजार नहीं करना होगा, यानी पानी की एक बड़ी खेप खुद तैयार हो जाएगी। इस तकनीक को खोजा है मुंबई आईआईटी के कुछ छात्रों ने, जो आज के जमाने के जल मित्र बनकर सामने हैं। कॉन्स्ट्रक्टेड वेटलैंड नाम के इस प्रोजेक्ट के तहत छात्रों ने 450 फीट का एक पॉन्ड तैयार किया है, जिसमें रोजाना करीब 30,000 लीटर पानी तैयार होता है। अब सवाल आता है कि ये सब कुछ होता कैसे है। दरअसल छात्रों ने कुदरत का जवाब कुदरत से ही दिया है। इस तालाब के आसपास कैन्ना इंडिका नाम के पौधे लगाए गए हैं। पौधे की खासियत यह है कि पौधा दूषित पानी को साफ पानी में बदल सकता है। छात्रों ने इस प्लांट में सीवर के पानी को जोड़ा है। ये दूषित पानी एक जगह इकट्ठा होता है और कैन्ना इंडिका यानी ये पौधा उस दूषित पानी को साफ कर देता है। ये साफ हुआ पानी नीचे बने एक टैंक में इकट्ठा होता है, जिसे वैज्ञानिक तकनीक से और साफ बनाया जाता है, जिसके बाद ये पानी खेती और जानवरों के काम आ सकता है। खास बात यह है कि इस प्लांट में ना तो बिजली का इस्तेमाल होता है और ना ही किसी केमिकल का। नेचर में भी जब पोल्यूशन जाता है पानी में, तब जो वनस्पतियाँ बढ़ती है वो नेचर का एक रिस्पॉन्स है कि नेचुरल मेथड से किस तरह से वो पोल्यूशन रिमूव किया जाए। तो क्या हम वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा मात्रा में क्या हम एक जगह पे कर सकते हैं कि उसका एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन करके उसको पेश किया जाए, तो ये कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड रहा है। छात्रों के मुताबिक ये तकनीक ऐसे गांव के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जहां सूखे का संकट पिछले कई बरसों से जारी है। इसको हम जो छोटी कम्युनिटी हैं, खासकर जो भारत के ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे हम जो छोटी छोटी कम्युनिटी है वहाँ पे हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा लेबर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छात्र अब इस प्लांट में एक ऐसी तकनीक इजाद करने में जुटे हैं जिससे इस पानी को पीने लायक बनाया जा सके। करंट में 3 जगह ये प्रोजेक्ट हमारा चालू है। अभी मसवड़ का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी 2 जगह चल रहा है। मतलब ये होनहार चाहते हैं कि अगर देश के हर गांव में ऐसे प्लांट तैयार किए जाएं, तो पानी के लिए सिर्फ आसमान की मेहरबानी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि इस कार में सवारी का खर्च कितना होगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार में 160 किलोमीटर का सफर तय करने के कितने पैसे लगेंगे?
क्या आप बता सकते हैं कि एक लीटर में ये कार कितना माइलेज देगी? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, मुफ्त। यानी एक ऐसी कार है जिसका सफर पूरी तरह फ्री है। वो इसलिए क्योंकि ये कार ना तो पेट्रोल से चलती है और ना ही डीजल से। ये कार चलती है सोलर एनर्जी यानी सूर्य की रोशनी से। इसे बनाया है गाजियाबाद के कुछ छात्रों ने। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि प्रदूषण में हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उसके कॉजेस को ख़त्म करना पड़ेगा। और मेन कॉज एयर पोल्यूशन का 30% कॉज ऑन रोड व्हीकल्स की वजह से होता है। सो जब तक लोगों को उनकी व्हीकल से एक अच्छा ऑप्शन चूज करने का नहीं मिलेगा, जो व्हीकल्स वो चूज करते हैं, तब तक वो व्हीकल्स लेना बंद नहीं करेंगे। देखने में इस कार का मॉडल ई रिक्शा जैसा लगता है, लेकिन इस कार में कुछ ऐसी खासियत है जो इसे ई रिक्शा से ज्यादा कामयाब बना सकती है। पहली ये कि इस कार में चार पहिए हैं, यानी ये कार थ्री व्हीलर ई रिक्शा के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। और दूसरी ये कि इस कार को चार्ज करने के लिए बिजली की नहीं सिर्फ सौर ऊर्जा की जरूरत होती है। हमने एक कार बनाई है दैट इज सोलर कार, जिसका हमने नाम ऑरा दिया है। सो इस कार के अंदर हमें कोई भी एक्सटर्नल फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है। सनलाइट से चार्ज होके ये कंटिन्यूसली चल सकती है, एंड इन वन चार्ज इट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर विद अ टॉप स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कार के इस मॉडल को तैयार करने के लिए इन बच्चों ने 75 वॉट के चार सोलर पैनल लगाए हैं, जिसकी मदद से कार में लगी 95 AH की चार बैटरियां चार्ज होती हैं। यानी कार की सवारी सिर्फ दिन में ही नहीं रात में भी की जा सकती है। दिन में 7 से 8 घंटे चार्ज होने के बाद ये कार बिना रुके 160 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है और एक साथ 5 लोगों को करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करा सकती है। रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है। रही बात खर्च की, तो इसकी लागत होगी तकरीबन 1 लाख रुपए। यानी ये कार देश की सबसे सस्ती कार से भी सस्ती है। ये बच्चे कार के इस मॉडल की बेहतर डिजाइन बनाने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि इसे आपकी कार जैसी ही शक्ल दी जाए। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। आप अपना ये फेवरेट शो हफ्ते में 3 बार देख सकते हैं, शनिवार शाम 7 बजे, रविवार सुबह 10:30 बजे और शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे। तो शाबाश इंडिया देखते रहिए और हमारे नन्हे होनहारों से इंस्पायर होकर अगर आप कोई इनोवेशन करें तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं, हम उसको भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #shabashindia पर ट्वीट भी कर सकते हैं।